नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। अमित शाह बोले, मोदी का घर है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहरी व्यक्ति होने के विपक्षियों के आरोप का प्रतिकार करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि मोदी वाराणसी से चुनकर आते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश उनका घर है। शाह ने गोरखपुर के चौरा चौरा और खजनी विधानसभा में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षियों द्वारा यहां दुष्प्रचार करने से कोई लाभ नहीं होगा। प्रदेश में भाजपा की चारों तरफ आंधी चल रही है तथा पार्टी के दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि सपा को मालूम था कि वह चुनाव हार रही है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया। उन्होंने यह भी कहा कि दो शहजादे मिलकर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। भाजपा से हिसाब मांग रहे लोगों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हम 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर आएंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। भाजपा अध्यक्ष ने सपा और बसपा पर हमला करते हुए कहा कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है, इसलिए आप लोग भाजपा की तरफ आइए जो विकास के नारे के साथ चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश दावा करते हैं कि काम बोलता है, लेकिन आप लोग और ही बताते हैं। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के बंद चीनी मिलों को चालू कराने का दावा करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर 70 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। शाह ने कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो प्रदेश में बुचड़खाने को बंद कर दिया जाएगा और प्रदेश के सीमांत तथा छोटे किसानों का लोन 100% माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 93 विकास की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग सपा सरकार से ठीक से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कश्मीर में सेना के काफिले पर हमला, 3 सैनिक शहीद। तनाव कम करने के लिए मेक्सिको पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री। पृथ्वी के आकार के 7 नए ग्रहों की खोज, जीवन की संभावना। अमेरिका में नहीं बनेंगे ट्रांसजेंडर शौचालय, ओबामा का फैसला रद्द। चिदंबरम ने कहा कि मोदी सरकार को अब सपा हटाना चाहिए।